हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। मैं सीमा शर्मा। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे HTML पार्ट 3 के वीडियो में हेडिंग और पैराग्राफ के बारे में। इससे पहले HTML पर दो वीडियो बना चुकी हूँ। पहले में ये बताया है कि HTML होता क्या है और दूसरे में HTML का बेसिक स्ट्रक्चर HTML का है और HTML को कैसे यूज करते हैं, मतलब कोड कहाँ लिखते हैं और आउटपुट कहाँ देखते हैं, मतलब रन कैसे कराते हैं, तो वो जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ट्यूटोरियल। तो थ्री स्कूल में आ गई मैं, ठीक है। HTML हेडिंग आज हम देखेंगे। HTML हेडिंग में जो प्री डिफाइंड हेडिंग्स होते हैं वो आपके 6 तरीके के होते हैं। तो उसका आपके 6 तरीके के होते हैं। पहला H1, H2, H3, H4, H5, H6, ठीक है। तो ये 6 होते हैं। तो इन सब का जो अपना डिफॉल्ट वैल्यू होता है, डिफॉल्ट px वैल्यू होता है, जो साइज होता है वो आपका H1 का होता है 32px, H2 का होता है 24px, और ऐसे ही आपका H3 का होता है 18 पॉइंट समथिंग, और H4 में 16, और H5 में 13 पॉइंट समथिंग, और H6 में 10px समथिंग, ठीक है। तो ये हो गया आपका डिफॉल्ट साइज, जो लगभग ये इसको ब्राउजर पर, ठीक है। तो इसको हम प्रैक्टिकल करके देखते हैं। तो यहाँ पे चलते हैं, ये मैं हटा दे रही हूँ, ठीक है। और ठीक है, तो सबसे पहले HTML आपका आ जाएगा, ठीक है। HTML आ गया, उसके बाद हेड स्ट्रक्चर बता चुकी हूँ, तो उसमें बताया हुआ है कि पहले क्या आएगा। उसके बाद आपका हेड आएगा, फिर हेड के अंदर टाइटल आएगा आपका, ठीक है। टाइटल में आप जो भी लिखेंगे वो आपके टॉप ऑफ द ब्राउजर को पर दिखेगा। तो टाइटल में मैं लिखती हूँ नमस्ते इंडिया, ठीक है। तो ये हो गया आपका टाइटल, और जो भी हमें ब्राउजर पे दिखाना है, ठीक है, मेन ब्राउजर पे, वो आपका बॉडी पार्ट्स में आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका बॉडी पार्ट्स हो गया। अब इसमें हम लिखते हैं H1, ठीक है। टैग ओपन होगा तो क्लोजिंग भी होगा, ठीक है। एंगल ब्रैकेट के अंदर हम लिखते हैं और उसको स्लैश लगा के लास्ट में क्लोज कर देते हैं, जैसे ये लिखा हुआ, ठीक है। अब H1 टैग के अंदर लिखते हैं नमस्ते इंडिया, ठीक है। और इसको मैं H2 के अंदर लिखती हूँ यही चीज नमस्ते इंडिया, इसको मैं कॉपी कर लेती हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देती हूँ, ठीक है। ये हो गया आपका H2। फिर ये H3 लिख देती हूँ, पेस्ट कर देती हूँ इसमें भी। फिर H4, फिर H4, ठीक है, इसमें भी पेस्ट कर देते हैं। फिर H5, ठीक है, फिर इसमें भी पेस्ट कर देते हैं। फिर H6, ठीक है, और इसमें भी पेस्ट कर देते हैं। तो आपका H1 टैग, H2, H3, H4, H5, H6 ये हो गया। अब इसको हम लोग ब्राउजर पे देखेंगे। तो ब्राउजर पे यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे और इसका एड्रेस को जाके इसमें एड्रेस को यहाँ एड्रेस बार में पेस्ट कर देंगे, ठीक है। और नोटपैड पे कैसे करते हैं वो भी हमने बताया था। तो ये आपका देखो H1 टैग है, ये H2 है, ठीक है, उसका डिफॉल्ट साइज जो ले पा रहा है वो ले रहा है, ठीक है। ये H3 है, ये H4, ये H5, ये H6, ठीक है। तो हम लोग यूज क्यों करते हैं इसको, तो देखिए जो H1 टैग होता है ये सब चीजें हेडिंग के लिए यूज करते हैं। तो जो मेल है, लेकिन एक वेबसाइट्स में H1 टैग कहा जाता है कि एक ही होना चाहिए, ठीक है। आप H1 टैग को बार बार नहीं यूज कर सकते, मतलब कर तो सकते हैं, लेकिन एक रूल होता है कि H1 टैग आपके अगर वेबसाइट में एक है तो ज्यादा अच्छा रहता है। और H2, H3 इन सबको भी आप सब हेडिंग में भी यूज कर सकते हैं और मेन हेडिंग में भी यूज कर सकते हैं, जैसा आपको चाहिए होगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका हेडिंग। तो अब बात करते हैं पैराग्राफ की। तो मैं एक काम करती हूँ, इसको मैं कॉमेंट कर देती हूँ, ठीक है। इसको मैंने कॉमेंट कर दिया। और अब चलते हैं पैराग्राफ को के बारे में समझते हैं। तो पैराग्राफ को हमेशा हम पी से डिनोट करते हैं। पी आपका टैग है, ठीक है, उसको पी टैग में लिखते हैं। और अगर आप वीएस कोड एडिटर यूज कर रहे हैं तो वहां पे लॉरेम और कितने वर्ड का आपको पैराग्राफ चाहिए वो यहाँ लिख देंगे। जैसे मैं लिख रही हूँ, मुझे 40 वर्ड्स का चाहिए, ठीक है। पहले लॉरेम लिखेंगे, फिर 40 लिखेंगे, ठीक है। लॉरेम 40 लिखेंगे तो वीएस कोड एडिटर में ये आपको दे देगा 40 वर्ड्स का, क्या कहते हैं, डमी टेक्स्ट। एंटर करते हैं तो ये आपका जो भी है डिफॉल्ट आपको
एंड लिखना नहीं पड़ेगा और वो आपका आ जाएगा। नोटपैड में आपको कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा, ठीक है, कहीं से भी ये टेक्स्ट को, तो ये 40 वर्ड्स का आपका आ जाएगा। अब इसको रन कराते हैं, तो देखिए इसको मैं जरा जूम करती हूँ, तो ये आपका पैराग्राफ आ गया, ठीक है। अब इसमें आप कुछ भी ऐड कर सकते हैं, कितना भी ऐड कर सकते हैं, यहाँ पे पेस्ट कर दो, पेस्ट कर दो, पेस्ट कर दो, ठीक है, पेस्ट कर दो। अब इसको चलते हैं रन कराते हैं, तो वो बढ़ता जाएगा, लेकिन आप चाहते हैं कि नेक्स्ट पैराग्राफ में आए, दूसरे पैराग्राफ में आए, तो आपको पी टैग को चेंज करना पड़ेगा। तो हम क्या कर लेते हैं, इसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, ठीक है, और यहाँ चलते हैं, हट गया वो, और इसको एंटर प्रेस करते हैं और यहाँ पेस्ट कर देते हैं, ठीक है, पेस्ट कर दिया मैंने दोनों पी को, देखिए, ठीक है, इसको फॉर्मेट भी कर लेते हैं और यहाँ चलते हैं रन कराते हैं। तो देखिए ये पहला पैराग्राफ, ये दूसरा पैराग्राफ, ऐसे ही आप कितना भी पेस्ट कर लें तो वो एक दूसरे लाइन में ही आएगा। ये देखिए इसको मैं 0 कर दूँ 100% में, तो देखिए ये आपका दूसरे लाइन में ही आ रहा है पैराग्राफ, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि इसमें और स्पेस आ जाए इन दोनों के बीच में, तो आप एक br टैग यूज कर सकते हो, जिस br टैग यूज कर सकते हो, और br टैग का कोई क्लोजिंग टैग नहीं होता, आप केवल br लिखोगे, ठीक है, केवल br लिखोगे एंगल ब्रैकेट के अंदर, तो ये आपका br लिख दिया। अब मैं इसको रन कराती हूँ, तो देखिए इसके और इसके में स्पेस ज्यादा हो गया ना, इसमें और इसमें उतना, जो डिफॉल्ट था वही है। आप इसमें और भी लिख सकते हैं, मतलब अगर आपको एक लाइन का ब्रेक चाहिए, 2-3 लाइन का चाहिए, तो यहाँ पे ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में हमने बात किया हेडिंग के बारे में और पैराग्राफ के बारे में, तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।